चले चलेंगे मनोज तिवारी के पास, लेकिन जी मनोज तिवारी कह रहे हैं मनोज तिवारी मनोज जी क्या कहेंगे? अरे यार कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट देना है उनको, रिपोर्ट देने जा रहे हैं। आज बड़ा दिन है, आज अरे नहीं खिलाया बड़ा सर, कुछ नहीं आ रहा। वोट डालने के लिए जा रहे हैं, वोट डालने से पहले उन्होंने पूजा की है अपनी माता जी के साथ, कुछ फायदा नहीं। और क्या फायदा है बताइए, जबरदस्त बहुत शुभ हो हमारे 70 विधानसभा में लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के, और हमारी माता जी बनारस से माई आइल बिया गांव से और ये रहती हैं बनारस में ही, बस केवल पिछले 7 कितना दिन हो गए ले 1 फरवरी से, हाँ मेरा जन्मदिन था उसी दिन आई थी, और आज का इनका व्रत है कि वोटिंग के बाद यहाँ से जाएंगी। माँ साथ है, माँ का आशीर्वाद साथ है और दिल्ली की जनता का आशीर्वाद साथ है, सब सफल होगा। पहली बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहते वो चुनाव हो रहा है जो जिसकी विजय का इंतजार पिछले 21 साल से कर रहे हैं हम लोग, और आज का जो वाइब्रेशंस है वो मुझे हर तरह से जो भारत का एक विश्वास है वाइब्रेशंस की, सिक्स सेंस की, वो कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं मनोज जी, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? हम लोगों की जो सिचुएशन इस समय बन गई है, जैसा गलियों से प्रतिध्वनि आ रही है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये 50+ के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी के कार्य नेतृत्व को दिल्ली आशीर्वाद देने जा रही है। मनोज जी, अगर आप यही बात मानेंगे 50 सीट आएगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत अच्छा होगा।